हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीतिस किचन मैजिक। आज हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के करवा चौथ स्पेशल थाली, जिसमें हम बनाएंगे दाल वाली पूरी, खीर, कद्दू की सब्जी, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, जीरा राइस और बीन्स की मिक्स सब्जी बनाएंगे। तो आप इस करवा चौथ इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी आपको ये थाली। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरी हर रेसिपीज देख पाएंगे। और आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अब सबसे पहले हम खीर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून चावल को अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिंगो कर रख दिया था। ये लगभग 45-50 ग्राम चावल है। अब हम इसके सारे पानी को निकाल देंगे। ये देखिए, चावल बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे इस तरह से थोड़ा सा कूट लेंगे, जिससे हमारी खीर काफ़ी अच्छी और गाढ़ी बनेगी। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध में 1/2 ग्लास पानी डालकर बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और इसे तुरंत अच्छे से चला देंगे, नहीं तो चावल की गुठलियाँ बन जाएंगी। अब हम इसे लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे ताकि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब तक खीर हो रहा है तब तक हम बीन्स की सब्जी बना लेंगे। इसके लिए मैंने 500 ग्राम बीन्स इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1 आलू कटा हुआ, 1 गाजर इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 100 ग्राम पनीर इस तरह से मैंने इसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम इसमें पनीर क्यूब्स डाल देंगे ताकि पनीर का कच्चापन निकल जाए। इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तेल में अब हम थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अगर आप मेथी नहीं खाते हो तो सिर्फ जीरा ही डालें। जीरा जब सुनहरा हो जाए तो हम इसमें 2 हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक डाल देंगे। और अब हम इसमें सारी सब्जियाँ डाल देंगे। पनीर हमें अभी इसमें नहीं डालना है। अब हम इसमें हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसे ढककर पकने देंगे। अब हम एक बार खीर चेक कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए, चावल थोड़ा पक चुका है। इसे हम इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे जब तक कि चावल अच्छे से न पक जाए। 2 मिनट बाद एक बार सब्जी का ढक्कन हटाएंगे और इसे चला लेंगे। अब हम इसमें एकदम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसे 2-3 मिनट के लिए एक बार फिर से ढककर पका लेंगे। 3 मिनट बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि सब्जी हमारी सॉफ्ट हुई या नहीं। ये देखिए, आलू बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाले, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे बिना ढके 2 मिनट के लिए हम मसालों को भून लेंगे। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें 2 छोटे कटे हुए टमाटर डालेंगे और साथ ही हम इसमें पनीर भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालकर इसे मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इधर खीर को भी बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना है ताकि नीचे से जले ना। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, चावल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें चीनी, ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल और 2 कुटी हुई हरी इलायची डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूखा नारियल से खीर में बहुत ही अच्छा स्वाद उभर कर आता है। इसे इस तरह से कलछी से दबाते हुए चलाते जाएंगे ताकि चावल भी हल्का मैश हो जाए और खीर में अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए। खीर पहले से गाढ़ा हो चुका है, इसलिए बीच बीच में इसे लगातार चलाते रहना है। खीर को 3-4 मिनट और पकाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ किशमिश डाल देंगे और अच्छे से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये देखिए, 2 मिनट बाद खीर हमारा बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढक देंगे। अब हम कद्दू की सब्जी बनाएंगे। इसे कोहरा या सीताफल भी कहते हैं।
दाल वाली पूरी के साथ कद्दू की मीठी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। इसे मैंने इस तरह से छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अच्छे से धो लिया है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें कुछ दाने मेथी के डाल देंगे, और मेथी के दाने जब थोड़े सुनहरे हो जाए तो हम इसमें 2 लाल मिर्च डाल देंगे और 1 चुटकी हींग डाल देंगे। अब हम कद्दू डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि कद्दू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट के बाद हम फिर से इसे चला लेंगे और इसे अगले 2-3 मिनट के लिए फिर से ढककर पका लेंगे। 2-3 मिनट के बाद अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और इसे चेक करेंगे कि हमारी सब्जी पकी है या नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी कद्दू पक चुकी है। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी गलने तक इसे बिना ढके 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब हम एक बार फिर से सब्जी को अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 4-5 उबले हुए आलू को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब सबसे पहले सब्जी के लिए हम मसाले तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हम एक कटोरी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें आलू डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर इसे 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आलू बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस पे हल्की ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आ चुकी हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में अब हम फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा जब सुनहरा हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और तुरंत हम इसमें मसाले डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। हमें इस तरह से मसालों को अच्छे से भून लेना है। और अब हम इसमें 1 बड़ा टमाटर डाल देंगे कटा हुआ, और टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जिससे हमारा टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि हमने आलू फ्राई करते वक्त भी थोड़ा सा नमक डाला था। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे 2 मिनट के लिए भून लेना है। ये देखिए टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है और मसालों के साथ टमाटर बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे फ्राई किए हुए, और 1 ग्लास पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग पतला या गाढ़ा कर लें। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पर अच्छे से पकने देंगे। 2-3 मिनट बाद सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और इसमें प्यारा सा कलर भी आ गया है, ये देखिए, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसका गैस बंद कर देंगे। अब हम जीरा राइस बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप चावल को 2-3 बार अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए बिना पानी डाले फूलने के लिए छोड़ दिया था। अब हम एक कुकर में थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें 10-12 दाने काजू के डालकर हल्का सुनहरा कर लेंगे। काजू जब हल्के सुनहरे हो जाए तो अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और इसे भी हल्का सुनहरा कर लेंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। ये देखिए 2 मिनट के लिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जितना हमने चावल लिया था उसका 2 गुना हम इसमें पानी डालेंगे और इसे 1 सीटी लगने तक पका लेंगे।
सीटी लगने के बाद जब इसका गैस निकल जाए तो अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए हमारा जीरा राइस कितना बढ़िया बना है, खिला खिला। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे ढक्कन लगाकर अलग रख देंगे। जीरा राइस सर्व करने के लिए तैयार है। अब हम दाल वाली पूरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप चना दाल को 2 घंटे के लिए पानी में भिंगो कर रख दिया था। ये देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालकर मिक्स कर देंगे और इसे गैस पर चढ़ा देंगे। इसे हम इस तरह से ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि चना दाल हमारी उंगलियों से मैश ना हो जाए। आप चाहें तो इसे 1 से 2 सीटी लगने तक बॉईल भी कर सकते हैं। 4 मिनट बाद अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए चना दाल हमारा बॉईल हुआ या नहीं, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से चना दाल हमारा बॉईल हो चुका है। जब इस तरह से हमारा चना दाल मैश हो जाए तो तुरंत हम गैस बंद कर देंगे और इसका पानी तुरंत हम निकाल लेंगे, जिससे हमारा दाल का पूरन चिपचिपा नहीं बनेगा, और इसे इस तरह से फैला देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम एक तड़का पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और 2-3 लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा हींग डालकर इसे अच्छे से सुनहरा कर लेंगे। तड़का सुनहरा हो चुका है। अब हम इसे ठंडा किए हुए दाल में डाल देंगे। अब इस दाल को हम पीस लेंगे मिक्सर जार में डालकर। ये देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया है दाल को। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी सारे बचे दाल को भी पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे दाल को पीस लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कच्चा जीरा, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा कच्चा हींग डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल वाली पूरी में हल्की नमक ही अच्छी लगती है। दाल वाली पूरी के लिए मैंने यहाँ पर आटे में बिना कुछ डाले नॉर्मल रोटी की तरह मुलायम आटा लगा लिया है और इसे 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसकी पूरी बनाएंगे। इसके लिए हम एक मीडियम साइज़ का लोई ले लेंगे और इसे इस तरह हम गोल कटोरी का शेप दे देंगे और इसमें हम 2-3 चम्मच दाल का पूरन भर देंगे और इस तरह से दबाते हुए इसका मुंह बंद कर देंगे। अब हम इसमें सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे थोड़ा मोटा ही बेल लिया है। अब हम इसे सेक लेंगे। अब एक तवे को गर्म करके इस पर दाल वाली पूरी डाल देंगे। 1 मिनट के बाद अब हम इसे पलट देंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और फिर इसे दूसरी तरफ भी पलट कर हम इसे दूसरी तरफ भी ऑयल लगा देंगे और इसे इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए इसे सेक लेंगे। आप इस दाल वाली पूरी को तेल में छान भी सकते हैं, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए पराठे हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी सारे पराठे को भी सेक लेंगे। ये देखिए गर्मा गर्म करवा चौथ स्पेशल थाली बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।